दोस्तों कल हमने आपको कहा था कि जॉन एनिक ने अनाउंसमेंट किया है बिलाल मोहम्मद को फाइनली उसका टाइटल शॉट मिलने वाला है यूएफसी मैनचेस्टर में। यूएफसी मैनचेस्टर में फाइट होने वाला है बिलाल मोहम्मद और लियोन एडवर्ड के बीच में। तब तक तो बस एक ही फाइट अनाउंसमेंट हुआ था, वो भी जॉन एनिक के तरफ से। लेकिन रात को ही यूएफसी वालों के तरफ से ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया है, वो भी मेन कार्ड का 5 फाइट अनाउंसमेंट कर दिया है यूएफसी वालों ने। यूएफसी का ये पेपर व्यू होगा जुलाई 27 को 304 में यूएफसी मैनचेस्टर में ये कार्ड होगा। तो हम आपको बताने वाले हैं इस फाइट में कौन कौन फाइट करेगा किसके साथ, और अर्ली ऑड्स भी निकल के आया है कौन बैटिंग फेवरेट है और कौन अंडरडॉग है, हम सभी आपको बताने वाले हैं। तो मेन कार्ड का पहला फाइट होगा बिटवीन आपका आर्नोल्ड एलेन वर्सेस गिगा चिकात्से के बीच में, और इन दोनों के बीच में बैटिंग फेवरेट है -220 के साथ आर्नोल्ड एलेन और अंडरडॉग है गिगा चिकात्सा +185 के साथ। तो नेक्स्ट फाइट होगा आपका बिटवीन मनील कैब वर्सेस मोहम्मद मोकाइब, और मोहम्मद मोकाइब है इस फाइट में अंडरडॉग +125 के साथ और बैटिंग फेवरेट है मनील कैब -145 के साथ इस फाइट में। तो क्या आपको लगता है कि मनील कैब मोहम्मद मोकाइब को हरा पाएगा, या फिर आपको लगता है कि मोहम्मद मोकाइब मनील कैब को हरा देगा? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, वो जरूर हमें बताएगा कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट फाइट होगा बिटवीन आपका बॉबी ग्रीन वर्सेस पैडी पिमलेट के बीच में, और बॉबी ग्रीन है इस फाइट में बैटिंग फेवरेट -175 के साथ और पैडी पिमलेट है अंडरडॉग इस फाइट में +150 के साथ। इन दोनों के ही बीच में बैड ब्लड है, दोनों एक दूसरे को हेट करता है, एकदम ही देखने नहीं मांगता एक दूसरे को, और सभी लोग ये मान रहा है कि पैडी पिमलेट के लिए सबसे बड़ा चैलेंजर होगा अभी के लिए बॉबी ग्रीन। बॉबी ग्रीन को अगर हरा देता है तो पैडी पिमलेट को सभी सीरियसली लेना शुरू करेगा। तो आपको क्या लगता है, पैडी पिमलेट बॉबी ग्रीन को हरा पाएगा, या फिर आपको लगता है कि बॉबी ग्रीन पैडी पिमलेट को हरा देगा? तो आपको क्या लगता है इस बारे में, वो जरूर हमें बताएगा। तो इस पेपर व्यू का को मेन इवेंट होगा बिटवीन आपका हैवीवेट इंटरिम चैंपियन टॉम एस्पिनल वर्सेस कर्टिस ब्लेड के बीच में। ये इन दोनों के बीच में पार्ट 2 होगा। पहले टॉम एस्पिनल कर्टिस ब्लेड के हाथों हार चुका है लेग इंजरी के वजह से, तो इन दोनों के बीच में ये पार्ट 2 होगा। और आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि टॉम एस्पिनल फिर भी है इस फाइट में -120 के साथ बैटिंग फेवरेट और कर्टिस ब्लेड है इस फाइट में +185 के साथ अंडरडॉग। तो आपको क्या लगता है इस फाइट में कौन जीत सकता है? क्या टॉम एस्पिनल अपना इंटरिम चैंपियनशिप का बेल्ट डिफेंड कर पाएगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं न्यू चैंपियन बनेगा कर्टिस ब्लेड? तो आपको क्या लगता है इस बारे में, वो जरूर हमें बताएगा कमेंट सेक्शन में। तो इस पेपर व्यू का फाइनली मेन इवेंट होने वाला है बिटवीन आपका वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड वर्सेस चैलेंजर बिलाल मोहम्मद के बीच में। तो अर्ली ऑड्स के अकॉर्डिंग बिलाल मोहम्मद नहीं जीतने वाला है ये वेल्टरवेट चैंपियनशिप का बेल्ट। बिलाल मोहम्मद है +185 के साथ अंडरडॉग इस फाइट में और -215 के साथ चैंपियन लियोन एडवर्ड है बैटिंग फेवरेट इस फाइट में। लेकिन आपके हिसाब से इस फाइट में कौन जीत सकता है? क्या आपको लगता है कि लियोन एडवर्ड अपना बेल्ट को डिफेंड करेगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं बिलाल मोहम्मद न्यू वेल्टरवेट चैंपियन बनेगा? तो आप किसके साथ है, वो जरूर हमें बताएगा। तो आज के लिए इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।